लक्ष्मण यादव जी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके एक साथी हमारे पास, उन्होंने मुझे सूचना दी कि अखिलेश जी ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है। तो वो सूचना दरअसल ऐसे दी, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो भी गेस्ट टीचर है, उन्होंने कहा कि लगता है कि आपके पैनल में जो आते हैं हमारे साथी लक्ष्मण यादव जी, शायद उनके लिए लॉटरी खुल गई है। आजमगढ़ में उनके गृह संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होगा लोकसभा का, तो लक्ष्मण यादव जी पर संभवतः अखिलेश जी की नजर पड़ी या नहीं ना पड़ी, ये मुझे जरूर बताइएगा। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैंने उनसे कहा कि मैं आज उनसे कार्यक्रम के दौरान ही पूछ लूंगा कि क्या लक्ष्मण जी वाकई दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वार्टर को छोड़कर लुटियंस दिल्ली के क्वार्टर में आने की जुगत में तो नहीं है। अभिषेक जी, पहली बात तो ये अभी समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि जिसका करियर खत्म करना हो उसको सोशल मीडिया पर हीरो बना दो। तो ये ऐसा होता नहीं कि कोई सोशल मीडिया के जरिए इस दौर की राजनीति में इस तरह से आ जाए, जब वो सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे हैं कि जो 24 घंटे, 12 महीने, पूरे पूरे के पूरे समय चुनावी माहौल में होते हैं। तो अचानक अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी को पैराशूट कैंडिडेट बनाएंगे और फिर वो आपको जीत के दिखा देगा। ये चुनाव में अभी शायद शीतल जी ही ये बात कह रहे थे, वो लैपटॉप बॉयज वाली बात, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, कि अचानक हर पार्टी में ऐसे लोग आ गए हैं जो माहौल बनाते हैं। एक वाकया बता रहा हूँ कि एक समाजवादी पार्टी के किसी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने 2022 के चुनाव के पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले, एक बार हमसे एक बात कही कि आप लोग कुछ और बोला करिए, इसका दबाव पड़ता है क्योंकि हम लोग तो बोल नहीं सकते। बहुत गौर से समझिएगा कि इस समय राजनीति कैसे हो रही है, कि हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम तो पार्टी के कैडर हैं, आप लोग बोलिए। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? उन्होंने वो वाकया सुनाया कि हम लखनऊ में बैठ करके उनसे कह रहे थे कि बूथ पर हम कमजोर हैं, हम जो है अभी मेहनत करें वरना हम जीत नहीं पाएंगे। तो उनके आसपास कई ऐसे नौजवान थे, उन्होंने कहा कि अरे 22 में भैया आ रहे हैं, और उसके बाद भैया भी एकदम उसी बात को मान लिए कि हाँ हम आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं, वो पार्टी के लोग थे और उन लोगों को क्या तवज्जो मिल रही है। तो ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, हम जैसे लोग फिलहाल जहाँ हैं वो सबसे खूबसूरत जगह है, हम अकेडमिक संस्थान में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होना बहुत गौरव की बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है मेरे लिए कि मैं जो महसूस करता हूँ, जो सोचता हूँ, उसे बोल सकता हूँ, आज शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर से तो इस देश के प्रधानमंत्री तक लोग बने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं नकार नहीं रहा हूँ राजनीति, हम तो डॉक्टर लोहिया की आज बात करना बहुत जरूरी है, हम लोग समाजवादी पार्टी पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते तो बुरे लोगों को आने का मौका देते और उनकी राजनीति के शिकार होते। तो मुझे राजनीति से गुरेज नहीं है, मुझे इस दौर में जो हालात हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं, आप ईमानदारी से सच बोलें तो आपका क्या हश्र होगा। कई बार वो होता है कि एक शेर है ना वसीम बरेली का, कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अभी फिलहाल उस प्रोफेशन में कि कम से कम सच बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये हवा हवाई चीजों का दौर नहीं रहा, वो एक जगह चुनाव जीत रहे हैं और दूसरी जगह चुनाव लड़ने की तैयारी में लग जा रहे हैं, उनसे आपको लड़ना है। ये जैसे हमारे यहाँ इस समय आंदोलनों का दौर, जब हम पढ़ते हैं, हम जेपी को, हम लोहिया को पढ़ते हैं, हम तमाम सामाजिक न्याय के लोगों को पढ़ते हैं, बिल्कुल जो विचारधारा के साथ साथ समझौता किए बिना जमीनी संघर्ष से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव की अनवरत लड़ाइयां लड़ने वाले लोग थे। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर लोहिया का एक वाकया है कि जब आजादी मिल गई, बहुत लोग, हमारे यहाँ हिंदी में कविता लिखी है 5 पोत भारत माता के, और वो नागार्जुन की कविता पढ़िएगा कभी, उसको बहुत दिलचस्प कविता, कि आखिरी में है कि कौन गद्दी से चिपक गया, किसको गोली लग गई। लोहिया उसके बाद किसानों का आंदोलन कर रहे थे, नहर रेट में बढ़ोतरी हो गई थी और दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल लड़ रहे थे, वो थे डॉक्टर लोहिया। तो ऐसा नहीं होता कि चुनाव और राजनीति पार्ट टाइम नहीं होती। यह 2022 का चुनाव ऐसा चुनाव था जो बीजेपी के अब तक के, 14 के बाद के अब तक के सबसे मुश्किल चुनाव में से एक था। वह भी अगर बीजेपी जीत ले रही है तो पुनर्मूल्यांकन करना होगा। और अभी फिलहाल अखिलेश यादव ने जो कदम चुना है, यह तो एक हद में ठीक है कि आप कम से कम लखनऊ में रहें, अपने कार्यकर्ताओं से मिलें,
लखनऊ से बाहर रहे, मैं तो ये कहूंगा सड़क पर लड़ते हुए तस्वीर खोज कर देखिए 5 साल में किन नेताओं की है, वो जो सरोकारी मुद्दों पर लड़ते हैं। विपक्ष का मतलब क्या होता है, 14 के पहले विपक्ष क्या होता है, ये बीजेपी ने भी सिखाया था। बिहार में विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहा है आजकल, मेरे कई दोस्त बिहार में विधायक हैं, लेकिन मैं जब उन्हें देखता हूं तो शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर लगातार सदन से लेकर सड़क तक गुलजार किए हुए। और वही डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाती है। अगर इन राजनीतिक दलों को अभी भी अपनी सत्ता वापस चाहिए तो मेरे दो ही सुझाव हैं, विचारधारा से समझौता मत करिए। आप ही के दौर में स्टालिन जैसा एक मुख्यमंत्री दक्षिण भारत में बेबाकी से आंख में आंख डाल करके कहता है कि हां मोदी और अमित शाह मैं पेरियार का वंशज हूं, मेरी ये स्पष्ट विचारधारा है, एक बात। और दूसरी सलाह ये कि सड़क के संघर्ष ही आपको सियासत में अब कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, संघर्ष किसानों का, नौजवानों का। लक्ष्मण जी, उत्तर प्रदेश में वो कौन सी कमजोरियां आपको विधानसभा चुनाव के दरमियान दिखी है जिन पर समाजवादी पार्टी को और मुख्य रूप से अखिलेश यादव को, अब चूंकि वो फुल टाइम उत्तर प्रदेश में मौजूद रहने का संकेत दे चुके हैं, स्पष्ट संदेश दे चुके हैं, यूं कहें तो किस चीज पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि दलित वोटों का भी सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है कि अपर कास्ट के वोटर में भी जो बड़ी संख्या में मुलायम सिंह के फॉलोअर हुआ करते थे, दलित वोटों में जो सेंधमारी मुलायम सिंह का वो भी नहीं हुआ है, पिछड़े वर्गों में भी नहीं हुआ है, आखिर दिक्कतें कहाँ है और कहाँ काम करने की ज्यादा जरूरत है? देखिए अभिषेक जी, कोई भी शॉर्टकट नहीं है और कोई भी नया रास्ता नहीं है, रास्ते वही हैं जो राजनीति में चले आ रहे हैं, सफल हैं, उन्हीं रास्तों पर चलना होगा। मसलन जिसमें से एक रास्ता इन्होंने चुना है कि सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल करके उनके उनका सामना किया जाए जो सत्ता में है, उनसे सीधे आप टकराएं, वहां जन सरोकारी मुद्दों को उठाएं, सदन के भीतर उठाएं, और अगर जरूरत पड़े तो सड़क पर लगातार आंदोलन, आंदोलन के कई रूप हो सकते हैं, हर समय एक जैसा आंदोलन नहीं होता, या रोज आप लाठियां खाने के लिए अपने कैडर को भी नहीं उतार सकते, क्योंकि हम भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा मुकदमे किस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए हैं पिछले 4-5 साल में, ये भी सबके सामने है। जिनको गुंडों की पार्टी कही जा रही थी उनके MLC मार खा रहे हैं, और वो भी कोई सामान्य MLC नहीं, वो अखिलेश यादव के सबसे खास MLC में से एक है, अगर वो गुंडे होते तो मार क्यों खा रहे हैं? तो दूसरा काम ये छवियों को ठीक करने का भी होगा, जोड़ना होगा। पहला मैंने सुझाव ये दिया कि सीधे उस सत्ता से टकराया जाए, फ्रंट फुट पर टकराया जी। आपने जिक्र किया कि सबसे खास MLC अखिलेश यादव के, लेकिन क्या यही खास कल्चर अखिलेश यादव पे भारी नहीं पड़ा है पिछले चुनाव में? मैं समझता हूं कि मुझे बहुत चुकी उस अंदर क्या होता है पार्टी के गतिविधियों के भीतर वो मुझे पता नहीं है, वो लोग कैसे काम करते हैं, कौन लोग सलाहकार हैं, कौन लोग क्या करते हैं, ये मुझे बहुत पता नहीं है। जो दूर से दिखता है कि हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनको उनको 2 दिन लोगों ने मारा, थप्पड़ मारा, धक्का दिया, तो ये गुंडों की छवि जो बना दी गई इसमें बाकायदे। और अभी जयशंकर जी ने बहुत सही बात कही कि भाई अपराध तो कितने हो रहे हो लेकिन उसमें मीडिया काम नहीं करेगी, मीडिया जातियां नहीं देखती, मीडिया ये सब नहीं करती। एक तो ये बात कि अब वक्त वो है, और शीतल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये बेहद खतरनाक परिस्थिति है जिसमें जब एक फिल्म से पूरे देश में एक सांप्रदायिक नफरत का जहर फैला दिया गया, सफल है वो इस काम में और दिन रात वो काम किया जा रहा है, उस समय अगर आप अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, मैं अपनी राजनीति अभी कह रहा हूं, छोड़ दीजिए संविधान और छोड़ दीजिए देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना, आप अगर अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं तो एकदम सब कुछ झोंक करके सड़क पर उतर करके उनसे लड़िए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, लोगों को जोड़िए। देखिए अखिलेश यादव ने जो काम किया लोगों को जोड़ने का, उसका एक असर तो हुआ ना कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, और ये बात ठीक है कि कैसे क्या क्या उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, अब इस पे बात करने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रह गई चीज है, जैसे एक दो दलित नेता ऐसे होने चाहिए जिनको आप सामने खड़े करके कहें कि हाँ ये हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, हर तबके के लोग, चूंकि अब देखिए सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं रह गया कि आप किसी एक को महिला पुरुषों को खड़ा कर दें और कहते हैं महिलाओं के सवालों का नेतृत्व पुरुष ही करेंगे, ऐसा होता नहीं है, हर तबके की अपनी नुमाइंदगी होती है। इंक्लूसिव कैडर बनाएं, कैडर को ट्रेंड करें वैचारिकी से, अब तो विचारधारा स्पष्ट कर लें, अब तो बिल्कुल एकदम एक एक साथ खड़े होकर कहेंगे संविधान किस आधार पर, धर्म को राजनीति से अलग करके रखें,
धर्म है उस पे, हम ये नहीं कह रहे कि आपको धर्म का विरोध करना, लेकिन आप एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह अपने एजेंडे पर खेलिए और कैडर को ट्रेंड करिए। आपके कैडर के पास 5 साल का कार्यक्रम क्या है, अगर वो कैडर चुनाव के बाद जब खाली होता है तो वो अपने लोगों के बीच क्या लेकर जाए, विचारधारा लेकर जाए, सरोकारी मुद्दों के साथ विचारधारा के कम्युनिकेशन बनाएं, सड़क पर संघर्ष करें, यही रास्ता है। ये कोई नया रास्ता नहीं है, ये कोई वैकल्पिक रास्ता और शॉर्टकट नहीं है, अब वजूद सबका बचाने का दौर है। दूसरी तरफ मैं आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं अभिषेक जी कि राजनेताओं के हिस्से की लड़ाई राजनेता लड़े, लेकिन उसके साथ साथ बतौर समाज बतौर नागरिक हम सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाइयां लड़नी होंगी। ये केवल कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल नहीं है, ये उस पूरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, जो एकदम डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अभी देखिए शिक्षा नीति पर क्या क्या हो रहा है, अभी तो उस पर फिर कभी बहस कराइएगा कि पूरी तरह शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद, और पूरी भीड़ को आप सांप्रदायिक बना रहे हैं, और वो सांप्रदायिकता देखिए एक दिन सब कुछ लील जाएगी, समाज को भी आगे आना होगा, तब जाकर के इन सारे खतरों से अब लड़ पाएंगे। नेता वही है जो सड़क पर लड़ता हुआ दिखे, वो सामने खड़ा रहे, फ्रंट फुट पर खड़ा रहे, जनता उसके साथ खड़ी होगी।